Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Group. In this episode, we are going to discuss about Class 10th SST Social Science Worksheet number 71. आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशन टू, यानी आपके एनुअल एग्जामिनेशन के लिए या फिर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की बात की जाए तो उसके लिए भी ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है. इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस हमने ऑलरेडी पब्लिश कर दिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया. इसके साथ साथ आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे क्लास टेंथ ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम को सर्च कीजिए, वहाँ पर भी आपको कंप्लीट चैप्टर मिलेगा. नाउ लेट्स बिगिन. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज आवर वर्कशीट नंबर 71, subject SST Social Science, in which Geography Chapter 1 Resources and Development है, उसको हम रिवाइज करने वाले हैं. डेट 29 दिसंबर 2020. आज की इस वर्कशीट में हमें 5 + 4 टोटल 9 क्वेश्चंस मिले हैं. वी आर गोइंग टू बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर रिसोर्सेज एंड राइट ए नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. हमें बताना कि संसाधन रिसोर्स क्या होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन करना है. ऑल्दो द क्लासिफिकेशन है वो कई वे से हो सकता है, तो हम इसको लिटिल बिट डिस्कस करेंगे. रिसोर्स क्या होता है? एनीथिंग दैट मीट्स आवर रिक्वायरमेंट और कैन बी यूज्ड बाय अस इज कॉल्ड रिसोर्स, यानी कोई भी वस्तु जो हमारे काम आ सकती है, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, वो संसाधन होती है. आपके हाथ में जो मोबाइल है, आप जिस चेयर के ऊपर, जिस बेड के ऊपर बैठे हो, वो जो आपको कमरे में कुछ भी दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग इज रिसोर्स. Anything that can be used to fulfill our needs or anything that is usable to us is called resource. Okay, for example, soil, water, house, book, mobiles, your clothes, your pen, सब कुछ resource है. Okay, अब resource की बात करें types की. Mainly it can be classified into 2 categories. Mainly हम इसको 2 types में divide कर सकते हैं. First are natural resources and second one is the man-made resources. Natural resources such as the water, soil etc. जो हमें nature से मिला. Man-made resources जो हमने बनाया है such as roads, buildings, cell phone etc. ये man-made में आएगा. तो broadly it can be classified into 2 categories. उसके बाद अगर हम बात करें तो on the basis of the origin again it can be classified into 2 categories, यानी origin के बेस पर, यानी कि बनने के आधार पर भी ये 2 प्रकार का हो सकता है. First one biotic and second one is the abiotic. Biotic means living things are known as biotic resources. जो living things होती है उनको हम biotic resource बोलते हैं. जो सांस लेते हैं, सांस ले रहे हो ना आप, तो आप biotic resources हो. Plants बायोटिक रिसोर्सेज में आएंगे, एनिमल्स बायोटिक रिसोर्सेज में आएंगे. फॉर एग्जांपल ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल एट्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज. एबायोटिक रिसोर्सेज नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉन एज एबायोटिक रिसोर्सेज, यानी नॉन लिविंग थिंग्स है वो एबायोटिक में लेंगे. नॉन लिविंग रिसोर्सेज तो कोई भी हो सकता है, सेलफोन भी आपका रिसोर्स है, लेकिन क्या ये लिविंग है या नॉन लिविंग? नॉन लिविंग है, तो ये एबायोटिक रिसोर्सेज है. मिनरल्स, बिल्डिंग्स, व्हीकल्स एट्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक रिसोर्सेज. जो आप कमरे में खुद के अलावा जो कुछ भी देख रहे हो, एवरीथिंग इज एबायोटिक रिसोर्सेज. उसके बाद नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेस ऑफ रीन्यूएबिलिटी. रीन्यूएबिलिटी मतलब कितनी बार इसको हम यूज कर सकते हैं रिसोर्स को. ऑन द बेस ऑफ द रीन्यूएबिलिटी द रिसोर्सेज कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, अगेन रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल. रीन्यूएबल कौन सा होता है? दोज रिसोर्सेज विच वी कैन यूज़ अगेन एंड अगेन, जिसको बार बार यूज़ कर सकते हैं. जैसे सोलर एनर्जी है, आज यूज़ की, कल उसकी लाइट डिम हो जाएगी, ऐसा होगा नहीं होने वाला, तो वो रीन्यूएबल रिसोर्स है. सॉयल, प्लांट्स, ट्रीज, पेड़ों को काटिए, दोबारा भी तो लगा सकते हैं ना, तो दीज आर द रीन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रीन्यूएबल कौन से होते हैं? द रिसोर्सेज विच कांट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, जिसको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं. सच एज कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स एट्सेट्रा, ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इनको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते. पेट्रोल ख़त्म हुआ, उसके बाद हम कितने ही मंत्र पढ़े, दोबारा वो वापस नहीं आने वाला. कोयला राख बन गया तो बन गया. ओके, तो ये है ऑन द बेस ऑफ रिन्यूएबिलिटी. हालांकि क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, हम 2 और कैटेगरी के बेस पर भी डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं. वो है ऑन द बेस ऑफ ऑनरशिप एंड ऑन द बेस ऑफ डेवलपमेंट, जो हमने चैप्टर में डिस्कस किया है, तो आप वहां से इसको नोट डाउन कर सकते हो. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन दिया गया, डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, यानी जो मिट्टी बनती है, मिट्टी का बनना उसकी क्वालिटीज़ किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो 5 फैक्टर्स हैं। पहला जो फैक्टर है वो है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक मतलब जिससे बनेगा, जैसे पेरेंट रॉक मतलब जिससे ये मिट्टी बनी है वो पेरेंट रॉक है। ओके, द कलर, सॉइल टेक्सचर एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिपेंड्स ऑन द पेरेंट रॉक्स। यानी मिट्टी का रंग, उसका टेक्सचर, उसकी बनावट, उसकी फर्टिलिटी, वो डिपेंड करता है पेरेंट रॉक के ऊपर। जैसे ब्लैक सॉइल है, तो ब्लैक सॉइल है वो किससे बनी है, उसके कारण उसका ब्लैक कलर है, उसके कारण उसमें एल्यूमिनियम या जो आयरन है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। ओके, तो जिससे बना होगा उस पर डिपेंड करता है उसका कलर, उसका टेक्सचर और उसकी फर्टिलिटी। तो पहला फैक्टर है जो प्रभावित करता है, दैट इज़ द पेरेंट रॉक्स। सेकेंड वन इज़ द रिलीफ फीचर। रिलीफ और वी कैन से दैट टोपोग्राफी, ऊंचावच हिंदी में इसको बोलते हैं। टोपोग्राफी और द रिलीफ फीचर्स क्या है, जैसे कहीं पे पर्वतीय इलाका है ना, माउंटेनियस रीजन है, एंड कहीं पे प्लेन एरिया है, कहीं पे प्लेट्यूज़ हैं, तो वो एरिया जहाँ पर ये बन रही है तो वो भी इफेक्ट करता है। स्टीप स्लोप्स मे बी इरोडेड एंड लूज देयर टॉप सॉइल एज दे फॉर्म, दस दे मे बी थिनर देन द मोर नियरली लेवल सॉइल्स दैट रिसीव द डिपॉजिट्स। जैसे जहाँ पर माउंटेनियस रीजन है, पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ क्या है, ढाल खड़ा है ना, स्टीप स्लॉप्स है, तो उसके कारण क्या है, वहाँ पर मिट्टी जो होगी वो पतली होगी, थिनर होगी, क्योंकि वो बह के आ गई। और जहाँ पर ये जमा हो रही है प्लेन एरिया में, वहाँ पे मोटी होगी, गहराई अधिक होगी, क्योंकि यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। सो टोपोग्राफी ऑल्सो अफेक्ट द सॉयल, यानी कि सॉयल है उसकी क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। और जहाँ पर ढाल यानी कि स्लॉप की बात करें, वो स्टीप स्लॉप होता है, तो वहाँ पे कटाव भी अधिक होता है। सॉइल फॉर्मेशन तो वहाँ तेज़ है, बट वहाँ पे सॉइल रह नहीं पाती, वो डिपॉजिट होती है प्लेन एरिया में। ओके, सो सेकंड फीचर इज़ द टोपोग्राफी। टोपोग्राफी ऑल्सो अफेक्ट द सॉइल। थर्ड जो फीचर है दैट इज़ क्लाइमेट। क्लाइमेट में बात करें तो टेम्परेचर और रेनफॉल है, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट द सॉइल फॉर्मेशन। जैसे क्लाइमेट में हम टेम्परेचर की बात करें तो किसी एरिया में टेम्परेचर दिन में बहुत ज़्यादा होता है, रात को कम होता है, इससे चट्टानें टूटती है, टूटेगी तो मिट्टी बनेगी ना। ऐसे ही बारिश जहाँ पर अधिक होती है, ज़्यादा हैवी रेनफॉल है, तो वहाँ पर मिट्टी बढ़ने की प्रोसेस है वो थोड़ी सी फास्ट होती है। तो ये फैक्टर्स है जो सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन जो फैक्टर है दैट इज़ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना इंक्लूडिंग अस, हम भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये भी अफेक्ट कैसे करते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस अफेक्ट सॉइल फॉर्मेशन एंड ऐड ह्यूमस टू इट। जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां हैं या जो जीवों के शरीर हैं, जो डेड बॉडीज़ है, वो जब मिट्टी में मिक्सअप होती है तो उससे ह्यूमस ऐड होता है। जितना ह्यूमस अधिक होगा उतनी ही सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होगी। सो फ्लोरा एंड फौना ऑल्सो अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। राजस्थान में की बात की जाए तो द सॉइल सैंडी सॉइल है, जो वहाँ पर डेजर्ट सॉइल है, एरिड सॉइल है, दैट लैक ह्यूमस, उसमें ह्यूमस की कमी होती है, इसलिए वो कम फर्टाइल होती है। ह्यूमस कहाँ से आएगा, पेड़ पौधों की पत्तियों से आएगा, डेड बॉडीज से आएगा, एनिमल्स वगैरह की, तो वो वहाँ पर है नहीं है ना। लैक ऑफ वेजिटेशन है, वेजिटेशन कम होती है, तो ह्यूमस है वो ऐड होता है किससे, फ्लोरा एंड फौना से। सो दैट टू अफेक्ट द सॉइल। सॉइल फॉर्मेशन को न केवल फास्ट करते हैं बल्कि उसकी क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। लास्ट वन इज़ द टाइमिंग। सॉइल फॉर्मेशन इज़ ए स्लो प्रोसेस, बहुत स्लो प्रोसेस होती है। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। 1 सेंटीमीटर बनने में हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं। सो टाइम इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर, यानी कि टाइमिंग है, टाइम है वो भी ज़रूरी होता है कि जितना अधिक टाइम होगा उतनी सॉइल है वो बेटर क्वालिटी की डेवलप हो पाएगी। तो ये 5 फैक्टर्स है जो मिट्टी के निर्माण को, सॉइल के फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन। मेंशन अबाउट सम ऑफ द इन्वायरमेंटल इश्यूज विच में अराइज ड्यू टू नॉन ज्यूडिशियल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि हमें कुछ इश्यूज़ के बारे में बताना है जो पैदा हो सकते हैं किसके कारण, ड्यू टू नॉन ज्यूडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, के अगर हम रिसोर्सेज को सही तरीके से उपयोग में नहीं लाएंगे, रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे, यानी कि अति उपयोग हिंदी में बोलेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो कौन सी समस्याएं पैदा हो सकती है, हो सकती नहीं, हो रही है। तो चलिए हम देखते हैं कौन सी प्रॉब्लम है वो पैदा हो सकती है। फर्स्ट है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। नाउ वी आर फेसिंग द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। क्यों फेस करें, ड्यू टू द ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम ओवर यूज़ करें इनको, चाहे हम पेट्रोलियम की बात करें, कोल की बात करें, ओवरयूज करें ना, इसीलिए पॉल्यूशन हो रहा है। सेकंड प्रॉब्लम जो क्रिएट हो सकती है, डेवलप हो सकती है, वो है प्रॉब्लम ऑफ अनबैलेंस डेवलपमेंट। अब हम ओवर यूटिलाइज करेंगे इनको तो क्या होगा, कुछ एरियाज़ कुछ कंट्रीज़ आगे निकल जाएंगे, कुछ एरियाज़ कुछ कंट्रीज़ पीछे रह जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज वो ख़त्म हो जाएंगे। ओके, तो अनबैलेंस्ड जो डेवलपमेंट है उसकी तरफ भी जा सकता है ये। नेक्स्ट इश्यूज ग्लोबल वार्मिंग, इश्यू ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स द टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है पूरे वर्ल्ड का। इससे क्या होगा, सब कुछ इधर से उधर हो जाएगा। जहाँ सूखा पड़ना चाहिए वहाँ बाढ़ आ सकती है, फ्लड आ सकती है, और जहाँ पे फ्लड होने चाहिए वहाँ पे ड्रॉट होगा। ओके, तो ये इश्यू हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ द डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स इन सम एरियाज़, बिकॉज काफ़ी सारे रिसोर्सेज वो लिमिटेड अमाउंट में हैं, अगर हम ऐसे यूज़ करते रहे तो क्या होगा, वो समाप्त हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम इसी रेट से यूज़ करते रहे तो बाय 2040 कोल इंडिया से डिप्लेप्ट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ऐसे ही 2060 में पूरे वर्ल्ड से गायब हो जाएगा, फिर हमें म्यूजियम में ही दिखाई देगा कि ऐसा एक कोयला होता था, कोल होता था। ओके, सो डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन ऑल्सो बी एन इश्यू ड्यू टू द ओवर यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज। नेक्स्ट है सोयल डिग्रेडेशन। सोयल डिग्रेडेशन की समस्या रहेगी, जैसे सोयल इज ऑल्सो रिसोर्स, ये भी रिसोर्स है ना, तो इसको अगर हम ओवर यूटिलाइज करेंगे तो सोयल इज़ गोइंग टू बिकम लेस फर्टाइल हो जाएगी, ये लेस फर्टाइल बंजर ज़मीन हो जाए, कुछ भी नहीं होने वाला, तो ये भी समस्या आ सकती है। एंड नेक्स्ट वन इज़ द क्लाइमेटिक चेंज। बिग क्लाइमेटिक चेंज है, सीजन इधर से उधर होंगे हमारे, कहीं पे बारिश है वो बहुत अधिक होगी या बारिश होगी नहीं। अब भी हम देखिए कि जो विंटर सीजन है वो लिमिटेड सा हो गया, एक महीने तक का छोटा सा हो गया ना, तो ये सब कुछ भी हो सकता है ड्यू टू द ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, कंसिक्वेंसेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट स्टेट और नेशनल बाउंड्रीज, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो नॉर्मल सिचुएशन में शायद आपके एग्जाम का पार्ट होता, लेकिन इस बार इजी एग्जाम रहना तो ये एग्जाम का पार्ट में भी नहीं रहेगा। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि पर्यावरण, इन्वायरमेंट की बात करें, वो पोल्यूशन हो रहा है या डिग्रेडेशन हो रहा है, तो उसके कारण जो भी रिजल्ट आएंगे उसका प्रभाव किसी एक देश या एक राज्य के ऊपर नहीं पड़ने वाला, सब प्रभावित होंगे। एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल देके। ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज रिजल्ट्स इन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि ओवर यूज करेंगे रिसोर्सेज तो इससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, यानी पॉल्यूशन होता है। दैट रिजल्ट इन द सीरियस कंसिक्वेंसेज, पॉल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, पॉल्यूशन इसी का ही रिजल्ट है। पॉल्यूशन डजेंट रिस्पेक्ट एनी स्टेट और नेशनल बाउंड्रीज, पॉल्यूशन है वो किसी भी स्टेट या नेशनल बाउंड्री को नहीं मानता। फॉर एग्जाम्पल, हमें एग्जाम्पल देना, इफ पराली इज बर्न्ड इन पंजाब, अगर पंजाब में पराली जलाई जाती है, इट्स पॉल्यूशन ऑल्सो अफेक्ट्स दिल्ली, दिल्ली पर भी असर पड़ता है। इफ़ देयर इज़ पॉल्यूशन इन दिल्ली देन द सराउंडिंग स्टेट्स आर ऑल्सो अफेक्टेड, और ऐसे ही दिल्ली में जब पॉल्यूशन होता है तो आसपास के स्टेट्स के ऊपर भी असर पड़ता है ना, वो भी प्रभावित होते हैं। सिमिलरली पॉल्यूशन इन बांग्लादेश विल ऑल्सो इफेक्ट अस, यानी बांग्लादेश में अगर पॉल्यूशन होगा तो वो भी हमें अफेक्ट पड़ेगा। क्यों करेगा, उसे वीज़ा थोड़ी लेना है, या हम ये कह देंगे नहीं हमारे देश में एंट्री नहीं करने देंगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। सो पॉल्यूशन इज़ द प्रॉब्लम ऑफ एंटायर वर्ल्ड, ये बाउंड्री से लिमिटेड नहीं होता। जैसे जो ओजोन होल हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज़ के कारण, लेकिन ऐसा नहीं है कि ओजोन होल अगर उनके कारण हो रहा है तो ओजोन होल है वो उन्हीं को अफेक्ट करेगा, हमें भी तो अफेक्ट करेगा ना। सो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है एग्जाम्पल के साथ, दैट इन्वायरमेंटल इशू इज़ नॉट द इशू ऑफ वन स्टेट और वन कंट्री, इट इज़ ए ग्लोबल इश्यू है जिसको हम मिल करके फेस कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है सजेस्ट द मेजर्स टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन मतलब जो ज़मीन है वो ख़राब हो रही है, भूमि है वो ख़राब हो रही है, अब वो ख़राब हो रही है, बंजर भूमि हो रही है, तो उसको रोकने के लिए हमें कुछ मेजर्स है वो सजेस्ट करने कि क्या किया जा सकता है। ओके, तो पहला है प्लांटेशन, वी नीड टू ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए क्योंकि इससे जो मिट्टी का कटाव है वो रुक जाएगा। सेकंड है मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, ग्रेजिंग इज़ ओके बट ओवर ग्रेजिंग इज़ सीरियस थ्रेट फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। अब ओवरग्रेजिंग क्या होता है? चराई करना पशुओं की। अगर हम ओवरग्रेजिंग करें, बार बार वहीं एक ही जगह पे चराते रहें तो क्या होगा, पशुओं के जो पैर होते हैं उससे मिट्टी मुलायम हो जाती है, फिर वो पानी के साथ बहना या हवा के साथ उड़ना आसान हो जाता है। अगर वो हवा के साथ उड़ेगी बहेगी तो ऊपर की मिट्टी तो फर्टाइल होती है, वो चली गई तो लैंड खराब। ओके, सो देयर शुड बी द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द ग्रेजिंग। सेकेंड, मैनेजमेंट ऑफ माइनिंग। माइनिंग शुड ऑल्सो बी कंट्रोल्ड, क्योंकि माइनिंग के कारण भी आसपास की लैंड है वो पॉल्यूटेड होती है, ख़राब हो जाती है, डिग्रेडेड हो जाती है। सो इट शुड बी कंट्रोल्ड, कि ये कंट्रोल्ड होनी चाहिए, क्योंकि माइनिंग ज़रूरी है लेकिन कंट्रोल्ड वे में होनी चाहिए कि जिससे हम इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम से कम पड़े। नेक्स्ट वन, लेस यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द सॉयल। सॉयल के लिए अच्छा नहीं है, लॉन्ग टर्म में बात की जाए तो इसका भी लिमिटेड यूज होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स मीन्स वी वुड बी एबल टू कंट्रोल द फ्लड्स। अगर फ्लड को कंट्रोल कर लिए तो काफ़ी एरिया में जो बाढ़ के कारण, फ्लड के कारण जो मिट्टी है वो कटाव होता है, वो हम रोक पाएंगे। नेक्स्ट वन जो सजेशन है, साइंटिफिक एग्रीकल्चर के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। साइंटिफिक फार्मिंग, जैसे कंटूर फार्मिंग है उस पर हम फोकस कर सकते हैं। इसी तरीके से हम जो सीढ़ीदार खेती जिसको हम बोलेंगे, तो ऐसे भी अगर हम करें तो उससे भी काफ़ी हद तक जो हम मिट्टी का कटाव है उसको हम रोक पाएंगे। तो हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि टेरेस फार्मिंग है या कंटूर फार्मिंग है तो ऐसा अगर हम करेंगे, या फिर हम जैसे फसलों की अदला बदली करके बोएं तो उससे भी सॉइल फर्टिलिटी है उसको हम मेंटेन रख पाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ द बाय कंट्रोलिंग ओवर इरीगेशन। ओवर इरीगेशन ऑल्सो ए सीरियस प्रॉब्लम, स्पेशली इन वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा में बड़ी प्रॉब्लम है जिसके कारण ज़मीनें खराब हुई है। तो इरीगेशन इज़ ओके, लेकिन ओवर इरीगेशन जब हम करते हैं तो उसमें पानी खड़ा रहने लग जाता है, ज़मीन ख़राब हो जाती है फॉर द परमानेंट पर्पज़ के लिए, हम परमानेंटली वो ख़राब हो जाती है, यानी कि उसको हम एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर पाते। तो ये कुछ सजेशन है कि क्या कर सकते हैं। पेड़ों को लगाइए, ग्रेजिंग को कंट्रोल कीजिए, माइनिंग को कंट्रोल कीजिए, फर्टिलाइज़र को कंट्रोल कीजिए, डैम्स बनाइए, साइंटिफिक फार्मिंग कीजिए और इरिगेशन को कंट्रोल कीजिए। बाय यूजिंग दीज मेजर्स वी वुड बी एबल टू कंट्रोल द लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर पाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। नेक्स्ट सेगमेंट है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दिए गए, 4 इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाई इज रिसोर्स प्लानिंग नेसेसरी। हमें बताना है कि रिसोर्स प्लानिंग है वो ज़रूरी क्यों है। ओके, तो रिसोर्स प्लानिंग इज नेसेसरी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, ताकि हम रिसोर्सेज उनका ठीक से यूज़ कर पाएँ। एक तो उसके लिए ज़रूरी, तभी प्लानिंग करेंगे तभी यूज़ कर पाएंगे ना। सेकंड, फॉर द बैलेंस डेवलपमेंट मींस इक्वल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए भी हमें रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत है। तो किसके लिए ज़रूरत है? जुडिशियस यूज ऑफ द रिसोर्सेज, बैलेंस डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज, वी नीड रिसोर्स प्लानिंग। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लद्दाख। आपको लद्दाख के बारे में बताना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस गिवन पैराग्राफ जो हमें दिया गया उस पर बेस्ड। लद्दाख इज़ ए कोल्ड डेजर्ट है ये। दिस रीजन इज़ रिच इन कल्चरल हेरिटेज, में काफ़ी रिच है, बुद्धिस्ट लोग हैं यहाँ पर मोस्टली, एंड देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। लेकिन यहाँ पर मिनरल्स या वाटर की शॉर्टेज है। यहाँ पर लेह डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर हमारे देश की सबसे कम बारिश होती है, राजस्थान से भी कम। Now let's move to the C question of this section. Name the Indian states where you may find abundant deposits of coal. हमें बताने कुछ स्टेट्स के नाम जहाँ पर कोयले के भंडार हमें मिलते हैं। Okay, so there are the abundant deposits of coal in the states of Jharkhand, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ etc. इन स्टेट्स में कोयले की माइंस, कोल माइंस है, काफ़ी ज़्यादा है। इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं वेस्ट बंगाल को भी। Now let's move to the D, last part and the last question of this worksheet. इसमें हमें बताना है name the state, Indian state where you may find, we not find abundant water resources. कि हमें एक ऐसा state बताना है जहाँ पर पानी की कमी है, that lake water resources. In Rajasthan there is a scarcity of water resources. राजस्थान है जहाँ पर पानी की तंगी रहती है। That's all in this worksheet. उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।